रायपुर नगर निगम रानी दुर्गावती वार्ड क्रमांक 50, जहां लगभग 17,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इस वार्ड में आज सिंधु यूथ न्यूज चैनल की टीम ने दौरा किया। यहां राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस भाजपा के अलावा क्षेत्रीय दलों में आम आदमी पार्टी एवं जनता कांग्रेस के प्रत्याशी भी चुनाव मैदान में है। वहीं निर्दलीय उम्मीदवारों का भी अच्छा असर दिख रहा है। सिंधु यूथ की टीम ने एक निर्दलीय प्रत्याशी अजय जयसिंघानी से मुलाकात की। अजय जयसिंघानी ने बताया कि वे अपने पूरे वार्ड का दौरा कर चुके हैं, आज उनका दूसरा राउंड चालू है। उनके कार्यालय में कार्यकर्ताओं की भीड़ देख करके ऐसा लग रहा है कि यह कार्यालय किसी राष्ट्रीय पार्टी से कम नहीं है। कार्यकर्ताओं में भरपूर जोश है। उनका चुनाव निशान उगता सूरज है। महिला एवं युवा वर्ग का उन्हें भरपूर सहयोग प्राप्त हो रहा है। अजय जयसिंघानी एवं उनके कार्यकर्ता अपनी जीत के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त दिख रहे हैं। उन्होंने बताया कि वे सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक मेल मिलाप कर रहे हैं और यदि वे चुनाव जीत जाते हैं तो अपना पूरा समय जनता की सेवा में समर्पित कर देंगे। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार जयसिंघानी, वार्ड क्रमांक 50 से निर्दलीय। नमस्कार जी, निर्दलीय प्रत्याशी मैं अजय कुमार जयसिंघानी वार्ड क्रमांक 50 से निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूं और सर्व समाज का मुझे पूरा सहयोग मिल रहा है और कम से कम नहीं भी नहीं 2000 वोट से मैं जीत के आऊँगा और पूरी समाज को इकट्ठा करके समाज के साथ में पूरा सहयोग है। मेरे साथ समाज का हमारे डॉक्टर साहब हैं, अशोक टीके राव साहब हैं, सब मेरे कार्यकर्णी हैं और पूरे परिवार के साथ हूँ मैं और मेरे को फुल सहयोग मिल रहा है और मार्गदर्शन के हिसाब से और कार्य को अच्छे से सुचारू रूप से करूँगा, हर चीज़ को सलाऊंगा बिल्कुल। नमस्कार, चुनाव चिन्ह है मेरा उगता सूरज, मतपत्र क्रमांक 6। नमस्कार, मैं डॉक्टर टीके राव, हमारे वार्ड क्रमांक 50 से अज्जू जय सिंघानी बहुत ही अच्छे सुचारू रूप से काम कर रहा है, हमने अपने आँखों से देखा, इसको बयां नहीं कर सकते, लेकिन ये जीत के आ रहा है, ये इससे बढ़कर हमारी कोई खुशी नहीं हो सकती और ये 100% जीतेगा, ये हम अभी से बोल रहे हैं। लीड कर रहा है और हर काम बराबर करता है, जब बुलाओ तब आता है, इससे बढ़कर और क्या चाहिए।